नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। यूपी के हरदोई जिले की पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी एक मकान में असलाह तैयार करने में जुटे थे। दरअसल पुलिस चुनाव को लेकर पहले से ही लगातार अवैध धंधे करने वाले लोगों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। पुलिस ने अवैध असलाह बेचने और बनने वाले पकड़े गए दोनों आरोपी के पास से 12 बने अवैध असलाह, अधबने असलहे और असलहे बनाने के उपकरण और जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस हिरासत में खड़े अभियुक्त सुरेंद्र और उसका बेटा चंद्रकांत शाहबाद कोतवाली के घुरा गाँव के एक मकान में फैक्ट्री चला रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा इस समय अभियान चलाया जा रहा है अवैध शस्त्र की बरामदगी के संबंध में। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब थाना शाहबाद क्षेत्र में सुरेंद्र और उनके पुत्र चंद्रकांत दो लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे जो है 12 तमंचे, दो उसके अलावा शस्त्र बनाने के उपकरण, जिंदा कारतूस तथा 10 खोखे, जो 315 बोर के 5 खोखे तथा 12 बोर के 5 खोखे इनके पास से बरामद हुए। था ये लोग पहले से ये काम कर रहे थे, इसकी सूचना थी पुलिस को, तो काफी दिन से इनके पीछे जो है हम लोग लगे हुए थे। आज जो है सफलता प्राप्त।